हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और बच्चों, आज हम आपको कार्बन और उसके यौगिक कक्षा 10 यानी क्लास 10th के महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहे हैं। और वो है, जैसे पहला मैंने लिखा भी है, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। तो हाइड्रोजनीकरण क्या होता है बच्चों, देखते हैं कि असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों पर निकल या प्लेटिनम, पैलेडियम भी ले सकते हैं, प्लेटिनम उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन का योग कराया जाता है, जिससे इसको आप सही से बना लीजिए, प्लेटिनम, जिससे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन बनते हैं। ठीक, इस अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं इसका उदाहरण। जैसे एथीन देखते हैं बच्चों, एथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, डबल बॉन्ड, द्विबंद या त्रिबंध वाले क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, यू नो वेरी वेल। तो यहां पर ये है क्या, एथीन, और ये है कैसा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तो समझते हो ना, जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। ठीक, तो क्या होगा, निकेल उत्प्रेरक लीजिए या प्लेटिनम ले लीजिए या पैलेडियम ले लीजिए, कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक, और यहां पर लगभग आप 473 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं, 3 से 4 bar प्रेशर ले सकते हैं, बार जो है प्रेशर की यूनिट है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर, चलो प्रेशर को AC को लिख लीजिए, क्योंकि NCERT में प्रेशर आपका नहीं दे रखा है, तो एक्स्ट्रा चीज आपको याद करनी पड़ेगी, याद रखना 3 से 4 bar जो है वो प्रेशर रखते हैं। ठीक है, तो यहां पर बन गया CH3। ठीक, यहां ये बॉन्ड टूट गया, जुड़ गया, तो ये बन गया एथेन। क्या बन गया बच्चों, एथेन, और एथेन होता है संतृप्त सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ठीक है, और भी ले सकते हैं आप प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, यहां पर H2 निकिल उत्प्रेरक लगा दीजिए और हीट कर दीजिए, यहां भी हीट का साइन दिखा दीजिए आप, तो क्या बनेगा, CH3 CH CH2 CH3, यहां H और यहां H जुड़ जाएगा, ये क्या बन गया, प्रोपेन। जो एल्केन होते हैं ना बच्चों, एल्केन होते हैं वो क्या होते हैं, संतृप्त। ठीक है, ये प्रोपीन है, क्या है, प्रोपीन। अब देखते हैं इसका औद्योगिक अनुप्रयोग, औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, आपने अगर नोट कर लिया हो तो इसको मैं यहां से रफ किए देता हूं। अब देखते हैं औद्योगिक अनुप्रयोग। ठीक, तो इसका ना, इससे एक तो मार्गरीन बनता है, मार्गरीन, ठीक, तेलों पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है
और एक तरीके से कहें हम कि जो आर्टिफिशियल घी होता है ना, नकली घी एक तरीके से बोलते हैं, हाँ, तो वो जो होता है वो मार्गरीन बोला जाता है, और वो तेलों पर इसी तरह से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। तो पहला है, जैसे लिख सकते हैं, मार्गरीन, मार्गरीन बनाने में। इसके अलावा दूसरा है तेलों से, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने में, जैसे डालडा वगैरह सुना होगा आपने, तो वो भी उसी तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो वनस्पति तेलों से वनस्पति वनस्पति घी बनाने में, घी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इसको कैसे दिखा सकते हैं इस अभिक्रिया को, देखो बच्चों, यहां लिखिए वनस्पति तेल प्लस H2, और यहां पर निकेल उत्प्रेरक लगा दीजिए, हिट कीजिए, तो क्या बनेगा, टेम्परेचर रखिए आप, टेम्परेचर दिखा सकते हो आप 473, ठीक है, या फिर आप इसको हीट ही दिखा दीजिए। ठीक, तो क्या बनेगा, वनस्पति घी ये बच्चों बनता है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका हाइड्रोजनेशन, दो बहुत हैं औद्योगिक अनुप्रयोग। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे कवर होने चाहिए इस वीडियो में। नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। एक साबुन पर बहुत आता है, साबुन बच्चे पूछते रहते हैं, सर साबुनीकरण क्या है, सोप कैसे बनता है। ठीक है, क्योंकि डेली लाइफ की चीज़ें जब पढ़ने को मिलती हैं, साबुन घरों में यूज़ होता है, तो बच्चे के अंदर जिज्ञासा होती है कि साबुन कैसे बनता है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ देखिए, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, साबुनीकरण पर संक्षिप्त संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, शॉर्ट नोट। ठीक है, ऐसा कि करीब 4 नंबर में आप उसको लिख सकें, 3 या 4 नंबर, ये 4 मार्क्स में है, वो जो पिछला क्वेश्चन बताया वो भी 4 नंबर में था। तो संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, और कब आया है ये देखिए, ये 2000 झड़ी लग रही है इसकी, दो यूपी बोर्ड 2013 है, यूपी बोर्ड 13 में आया है, और 14 में आया हुआ है, 15 में आया हुआ है, 16 में आया हुआ है, 17, 18, 19, 20 में आया हुआ है, तो 21 में भी आ सकता है जब लगातार आ रहा है, तो है ना, कितना इम्पोर्टेंट है। तो शॉर्ट नोट टिप्पणी लिखिए। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है इस तरह से भी कि साबुन क्या है, और करके, या साबुन क्या है, साबुन क्या है, इनके इसके बनाने की इसके बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं साबुन होते क्या हैं। ठीक, उत्तर है इसका क्या होगा, साबुन असल में तेलों पर, तेलों की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके बनाए जाते हैं वो। ठीक है, देखते हैं कैसे बनता है साबुन। देखिए, उच्च अणुभार वाले, यानी बहुत अधिक अणुभार जिनका होता है, उच्च अणुभार वाले वसीय अम्लों, वसीय, ठीक, और वसीय कौन से होते हैं, वसा में जो उपस्थित रहते हैं, वसीय कार्बोक्सिलिक अम्ल,
वसीय क्या होते हैं, वसीय अम्लों, ठीक, या हम उच्च अणुभार वाले कार्बोक्जिलिक अम्ल भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? तो यहां कार्बोक्सिलिक अम्लों, ठीक है, उच्च अणुभार वाले वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं, ठीक। और साबुनों को बनाने की जो अभिक्रिया है, बनाने की क्रिया है, वो साबुनीकरण कहलाती है, ठीक। तो क्या लिखेंगे इसको? साबुन वसीय अम्लों पर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या तनु कास्टिक सोडा, इसको बोलते हैं क्या, कास्टिक सोडा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तनु कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास KOH या KOH, ठीक, समझ में आ गया। KOH ये क्या हो गया है बच्चों, कास्टिक पोटास, ठीक है, या इसको बोलते हैं हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया द्वारा बनते हैं। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, ठीक, साबुनीकरण कहते हैं बच्चों। तो ये क्या बनेगा? साबुनीकरण कहते हैं, और इसको बोलते हैं सेपोनिफिकेशन। अब इसकी अभिक्रिया दिखानी पड़ेगी। दो तरीके से अभिक्रिया दिखा सकते हैं, जो एक तो NCERT में दे रखी है और एक दूसरे तरीके से। तो क्या है? C17H35COOH, मैंने कहा है उच्च अणुभार वाला। तो देखो कार्बन 17 है, हाइड्रोजन 35 है, बहुत लंबी चेन बनती है। तो ये तेलों में, ज्यादातर तेलों में पाए जाते हैं, वनस्पति तेल हैं, जंतुओं से प्राप्त होने वाले तेल हैं, ठीक है, तो उनमें ये उपस्थित रहते हैं। तो इसीलिए तो कहा है उच्च अणुभार वाले वसीय, यानी वसा एक तरीके से फैट, ठीक। तो इसका नाम है स्टीयरिक अम्ल, ठीक। इस पर आप NaOH की अभिक्रिया कराएंगे, हीट करेंगे, तो क्या बनता है? C17H35COONA, ठीक, ये बन गया सोडियम स्टीयरेट, सोडियम स्टीयरेट। अब देखिए ये है क्या अम्ल, ये है क्षार, कास्टिक सोडा, तो सॉल्ट बनेगा, लवण बनेगा ना, तो क्या है? पोटेशियम लवण, सोडियम या पोटेशियम, इसकी जगह आप KOH भी ले सकते हो, प्लस क्या बन गया H2O, तो ये क्या कहलाएगा? साबुन, ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया? साबुन। और इसका दूसरा तरीका भी है बनाने का, देखते हैं, जैसे CH या करके कर देना, दोनों में से कोई से लिख देना, CH2OCO C17H35
CHO CO C17H35 और CH2O CO C17H35। ये स्टीयरिन एस्टर होता है, इसको बोलते हैं क्या बच्चों, इसको ऐसे बना लेते हैं, यहाँ भी थोड़ा सा सही कर देते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे। स्टीयरिन एस्टर या ट्राई स्टीयरिन एस्टर, तीन है तो ट्राई स्टीयरिन एस्टर भी इसको बोल सकते हैं। ठीक बच्चों, तो ट्राई लगा लीजिए। अब इस पे NaOH कितने लेंगे, 3NaOH। ठीक, तो आपको ना इसको ऐसे करना है कि समझाने के लिए बता रहा हूं, आप रफ पे करके इसको देख सकते हो। ये वाला जो पार्ट है इतना, यहां से इसको अलग कीजिए और यहां पे ले जाइए ऐसे, और H कितने H है, तीन लग रहा है यहां पे, तो तीन H है, तो तीन H यहां पे लग जाएंगे, H H H, तो क्या बनेगा, CH2OH CH, यहां से लिखिए CH2OH CH OH CH2OH। इसका नाम है ग्लिसरॉल, क्या बन गया ये, ग्लिसरॉल। ठीक, लिख देते हैं ग्लिसरॉल। ठीक है बच्चों, ये ग्लिसरॉल बन गया, प्लस साबुन और बनता है साइड में, क्या बनेगा, तीन है ये, तीन C17H35, तो तीन लगाइए पहले, 3C17H35 CO है, और यहां से तीन क्या है, ONA, तो ONA लगा दो, ONA, ये और ये सेम है ना, तो यहां भी आपको मिल रहे हैं, यहां तीन अणु मिल रहे हैं साबुन के, सोडियम स्टीयरेट। ठीक, सोडियम स्टीयरेट। ठीक है बच्चों, तो ये भी क्या है, साबुन सोप। ठीक, तो इस तरह से आप साबुन बना सकते हैं। इसके अलावा स्टीयरिक अम्ल ही नहीं, आप पामेटिक अम्ल भी ले सकते हो, पामेटिक, जैसे इसकी जगह आप क्या ले सकते हो, इसको पहले यहां से हटा देते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। ठीक, जो 3 मार्क्स में है और कितना इंपॉर्टेंट है आप देख ही रहे हैं, है ना, कई बार आया हुआ है। तो अब पामेटिक अम्ल भी ले सकते हैं, ये भी वनस्पति पामेटिक अम्ल है, ओलिक एसिड होता है एक, तो C15H31COOH, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है पामेटिक अम्ल। ठीक है, इस पे NaOH की क्रिया करा दो तो भी क्या बन जाएगा, C15H31COONA, ये भी क्या है, ये भी तो उच्चारण भार वाला है, तो ये भी क्या होगा, सोडियम पामीटेट। और ये क्या है, ये साबुन, ये भी साबुन ही है, कई कई क्वालिटी मिलती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप और भी क्वेश्चन उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो और भी हम आपके लिए क्वेश्चन इसी टाइप के लाएंगे, आप वीडियो लगातार देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।